अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद बिन अकबर फ्रॉम क्रेजी बकेट। आज हम आपके लिए गोया बाय M1 का रिव्यू लेकर आएँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, वीडियो क्वालिटी लो हो तो चल सकता है, लेकिन वॉइस क्वालिटी अगर ख़राब हो तो लोग इरिटेट हो जाते हैं, लोग वीडियो पूरी देखते ही नहीं हैं। तो इसमें भी काफ़ी क्वालिटियाँ आती हैं, तकरीबन एक आती है फेक आती है और एक ओरिजिनल आती है। तो इन दोनों के दरमियान का फ़र्क आपको बताएंगे आज इंशाल्लाह। और यह भी मैं Google Pixel 3 XL से वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त, जो कि इसका अपना माइक है, और इसको भी लगा के देखेंगे, दोनों में फ़र्क देखेंगे कि क्या क्वालिटी है दोनों की। तो आए आपको इसका रिव्यू करके दिखाते हैं। तो गाइस, ये है गोया BY M1। ये आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, इसमें फेक भी आता है। इसके कुछ आपको मैं तस्वीरें भी दे दूंगा इंशाल्लाह, और ये इसकी कुछ डिटेल्स वगैरह लिखी गई, इसके पीछे आप फीचर्स देख सकते हैं, इसके इसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी गई हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। और जो फेक गोया का आता है माइक, उसका एक तो ये ब्रांडिंग थोड़ी सी रफ सी होती है, और यहाँ पर छोटा सा आर लिखा हुआ होता है इसके। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह मुझे फेक वाला भी मिल जाए तो मैं उस दोनों का साथ रिव्यू कर दूँगा फिर, लेकिन फ़िलहाल आपको मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। और इसकी जो ये तस्वीर है, इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर तस्वीर लिखी बनी गई है, और जो फेक वाला है उसके अंदर इसी को ही प्रिंट करके उस पर छाप दिया गया है। उसकी क्वालिटी थोड़ी लो सी है, और इसके नीचे ई टैग होता है इसका। ई टैग से मराज का बार कोड होता है, आप इसको सर्च करें कैमरे से स्कैन करके, नेट पर सर्च भी कर सकते हैं, आपको इसका सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि ओरिजिनल है या फेक है। वो भी चेक कर लेते हैं अभी, आप देख सकते हैं इसकी डिटेल्स वगैरह, और चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको टेस्ट भी करेंगे। मेरे पास माइक नहीं था तो सोचा थोड़ा ख़र्चा कर लेते हैं इस पर, देख लेते हैं क्या कुछ है इसमें। तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बैग दिया गया इसमें, क्लोज भी हो जाता है ऐसे। इसे मैंने चेक नहीं किया अब तक, तो ये आज ही मेरे पास आया, डिलीवर हुआ है। चेक कर लेते हैं, अगर क्वालिटी अच्छी है इसकी तो इंशाल्लाह जिनसे मैंने ख़रीदा उनका नंबर भी आपको दे दूंगा मैं। वैसे तो आप दराज वाले या ऑनलाइन चेक करें तो ये आपको 2200, 2300, 2500 तक मिल सकता है, लेकिन ये मैंने पिंडी से मंगवाया और मुझे सस्ता पड़ा, हालांकि 1600 रुपये का पड़ा मुझे। इसकी क्वालिटी देख लें, इसमें सेल लगता है इधर एक, और ये इसका होल्डर है क्लिप, क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। ये माइक है, देख सकते हैं, ये 3mm जैक के लिए लगती है। डिफ्यूज़र है या कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। अच्छा, किस तरह से लग जाएगा इसमें, और ये चल दिया गया इसका, इसे पता नहीं क्या कहते हैं। और ये होल्डर है, आप कॉलर वगैरह पे लगा सकते हैं अपने, सेटअप कर लेते हैं सारा। ये ऑप्शन आप इसके देख सकते हैं, अगर आपने स्मार्टफोन के साथ लगाना है तो नीचे रखें, अगर कैमरा वाला DSLR के साथ लगाना है तो इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। इसे अब सेट कर लेते हैं। ये है मेरा Google Pixel 3 XL, इसमें जैक तो नहीं आता तो इसलिए इसके साथ ये कनेक्टर लिया हुआ है मैंने, इसको लगा लेते हैं।
अब मेरे फ़ोन में तो ये फंक्शन आता है कैमरे में, बाकियों का मुझे नहीं पता कि ये आप देख सकते हैं अगर वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान। ये देखें माइक का और माइक्रोफोन का दोनों का ऑप्शन दे रहा है, तो मैंने इसके साथ माइक कनेक्ट कर लिया, तो मैं इस पर कनेक्ट शिफ्ट कर दूंगा इसको। अब बाकियों का मुझे नहीं पता आता है कि नहीं आता, अगर किसी को मसला आ रहा है तो इंशाल्लाह उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं इसको। तो चलें इसको टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने माइक कनेक्ट कर लिया है और फिक्स भी कर दिया था, इसकी आप क्वालिटी आप खुद सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं कि किस तरह की है। पहले मैंने खुद इसमें थोड़ी सी नॉइज़ छोड़ी थी क्योंकि माइक से मैं बना रहा था फ़ोन के अपने, और फ़ैन भी ऑन किया हुआ था कि इसमें आपको खुद पता चल जाए कि इतना शोर आ रहा है और कितना नहीं आ रहा। अगर आपको इस माइक की क्वालिटी अच्छी लगती है तो समझ आती है कि आप लेना चाहते हैं, तो मैं इसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वीडियो में भी चला दूंगा, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इसके जो फेक वर्जन है वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊं, इसको उसका भी रिव्यू करूं। बस आपको छोटी मोटी मोटी चीज़ें मैंने बता दी थी कि इसमें क्वालिटी वगैरह में फ़र्क होगा, जैसे इसका बैग वगैरह काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ब्रांडिंग भी अच्छी हुई है इस पर, उस पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जिस तरह इसकी पैकिंग आई हुई थी उसको मैं बताना भूल गया था, उसकी इस तरह कोई पैकिंग नहीं होगी, वो इस तरह बस आपको फोल्ड करके इस तरह पर टेप लगा दी होगी, बस वो इस तरह देंगे आपको। और सर उसके अंदर इस तरह की आपको कोई वारंटी कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसा, ना आपको स्टिकर्स मिलेंगे, खैर स्टिकर्स को कोई ख़ास चीज़ नहीं है। और जो इसकी बुक है ये वाली कैटलॉग जो है, और इसकी क्वालिटी भी बहुत बेकार होगी, इसकी फिर अच्छी है, यानी वो यहीं से स्कैन करके अपनी उनके ब्रांड पर जो प्रिंट कर दिया उन्होंने, इसकी क्वालिटी बहुत बेकार होगी, रफ होगा, और इंक भी जो है ना कोई अच्छी क्वालिटी की नहीं इस्तेमाल करते वो है। वो इससे महंगा है, आप मार्केट लेने जाएंगे तो आपको तकरीबन 2200-2300-2500 तक भी मिलेगा, और ये मैंने पिंडी से मंगवाया है, तो मैं आपको उसका नंबर दे दूंगा इंशाल्लाह, आप खुद चेक कर लीजिएगा वहाँ से, क्वालिटी अच्छी है इस चीज़ की, मैंने खुद भी चेक कर लिया है। और इंशाल्लाह एक और चीज़ भी मैंने मंगाई है, उसका भी मैं रिव्यू करूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को।